अगर आप सिटकॉम की इन बोरिंग लाफ्टर ट्रैक्स को सुन सुनकर पक गए हैं, देन डोंट वरी, हियर कम्स द रियल हंसी का रियल शो कॉमेडी सर्कस. एक मिनट, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कहीं मेरे इस नए अवतार को देखकर आप लोग सब सरप्राइज तो नहीं हो गए? डोंट वरी, मैं आपकी होस्ट श्रुति सेठ हूँ. और ऐसे कई सरप्राइजेस हैं हमारे आज के एपिसोड में, क्योंकि हमारे आज के एपिसोड की थीम है रोल रिवर्सल, यानी कि जेंडर चेंज. सारे मेल्स बन गए हैं फीमेल्स और सारी फीमेल्स मेरी तरह बन गई हैं मेल्स. सो इंट्रोड्यूसिंग आवर लवली जजेस, प्लीज वेलकम द हंसी के शहंशाह सतीश शाह, हंसी की क्वीन अर्चना पूरन सिंह, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द मैन हु ब्रीथ्स लाफ्टर, शेखर सवान. हंसी और मस्ती से भरे इस कॉमेडी सर्कस में आज हो गई है थोड़ी सी ट्रेजेडी. हमारी सात जोड़ियों में से एक जोड़ी शायंतनी और कुलदीप के बीच हो गई है बहुत बड़ी अनबन. लेकिन वो अनबन क्या है और उसकी वजह क्या है, ये हम जानेंगे जब आएगी उनकी बारी. फिलहाल टेंशन को करते हैं साइड और लाते हैं हंसी का हाई टाइड. लेकिन उससे पहले बुलाते हैं हमारे आज के एपिसोड के स्पेशल गेस्ट को, जो खास करके कॉमेडी सर्कस को ग्रेस करने आए हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द डैशिंग एंड हैंडसम हंक अरबाज खान. भाई आपकी फिल्म वुडस्टॉक विला बहुत जल्द थिएटर्स में आ रही है, एंड इट साउंड्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम ऑफ कोर्स, वुडस्टॉक विला. तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर फिल्म. वेल, वुडस्टॉक विला जो फिल्म है वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. इसमें बहुत से सस्पेंसफुल मोमेंट्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, फास्ट पेस फिल्म है. तो इट्स बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है इस फिल्म में जो अभी इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता. ठीक है, तो एक बात आप हमें जरूर बता सकते हैं कि सेट्स पर जो इंटरेक्शन होती है उसमें कुछ कॉमिक मोमेंट्स तो जरूर हुए होंगे. वीटी स्टेशन के बाहर मैं शूटिंग कर रहा था, तो मुझे बोला था कि तुम यहाँ से लेके वहाँ तक ये सिग्नल क्रॉस करना, ये सब करना. तो ऑब्वियसली आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो पीपल शुड नॉट नो हु आई एम. बट जो भी मुझे वो टैक्सी पास होती थी, क्या अरवाज भाई कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो सिग्नल पे, चलो आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ. तो कोई साइकिल पे, क्या भाई इधर क्या कर रहे हैं बिड़ू. तो यार वो हमेशा वो शॉर्ट कट जाता था, क्योंकि मैं बोलता चल चल चल, शॉर्ट चल रहा है इधर, शॉर्ट चल रहा है इधर. वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप द फिल्म्स अ ह्यूज सक्सेस. एक बार फिर जोरदार तालियां फॉर अरबाज. थैंक यू. ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर हो गई पर हमारे शानी शकील कहीं नजर नहीं आए. कुत्ता कहीं का. अल्लाह करेगा तू कुत्ते की मौत मरेगा कुत्ते. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन है आप? मैं एक दुखियारी औरत हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई. तो जाकर शादी करवाइए. तो ढूंढ देना रिश्ता, अपने भाई से करवा दे. यकीन जान कर भाई को रातों रात अमीर कर दूंगी. टेक्निकल औरत हूँ, मुंह से गदा उठा लेती हूँ. कितना मजा आएगा, तेरे भाई से मेरी शादी होगी, मेरा घूंघट उठाएगा ऊपर वाला उसे उठाएगा. फिर मेरे 150 बच्चे होंगे. 150 बच्चे? बस इतना ही बजट है मेरा, बस. सोच 150 बच्चे, घर से इलेक्शन से खड़ी होंगी, घर से ही जीत जाऊंगी. हैं कितना मजा आएगा, अपने ही मदरसा खोल के बैठ जाऊंगी, बल्कि अपने ही पोल्ट्री फार्म खोल लूंगी, बच्चों को दाना डालूंगी. आह 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 आह. मैं जहां से गुजरूंगी लोग कहेंगे वो जा रही है वजीर पैदावार, जिसकी पैदा ही बंद नहीं हो रही मनुष्य की. अरे कौन हो तुम? मैं शकील हूं. माशाल्लाह आज तो पैंट में उतरी हुई हो. है ना? बालों को स्त्री कराया हुआ. ओके, मैं बैठ रहा हूँ. मेहरबानी. खुदा की कसम सारे कपड़े मुझे पहना दीजिए. हाँ जी, यहाँ पर मत उतारिए, वहाँ जाइए कोने में. ये क्या गुसलखाना इधर बना हुआ है? वैसे तो आपने कई गाने देखे होंगे और उन गानों में हजारों डांसर्स देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि पीछे उनमें क्या खुसर फुसर चलती है? ऐसी ही कुछ चटर पटर लेकर आ रही है हमारी नच हीरिय जूनियर डांसर जोड़ी राजेश और राजीव. 5, 6, 7, 8. उंगली हटा ले बहन, इनको जोक समझ में नहीं आया. मेरे को ना बहुत जोर से चुगली आई है. एक सेकेंड, धीरे बोलने का. ये देख, ये जो अर्चना है ना, ये फोकट में हंसती है.
ये घर मेरा शानी बन के रहती एकदम ऐसा। सही तो है, नहीं तो घर में हस्बैंड कैसे डरेगा। अच्छा अर्चना को छोड़, मैं शेखर का बताती तेरे को। शेखर ने ना भाग की शादी की बोल। हेलो तेरे को मालूम है? हाँ, फिर क्या। और ये सतीश ने, इसने तो अरेंज मैरिज की है। काय को? अकेला तो भाग नहीं सकता, किसको लेके क्या भागेगा। अच्छा एक बात बता, अर्चना ने कैसे मनाई अपनी शादी? ये अर्चना का तो पूछी मत तू। अर्चना ने ना डोले दिखा के की शादी। परमीत को दिखाए डोले, फिर बोली चल मेरा होले। बहन एक बात बताऊं, मेरे को भी बहुत जोर से चुगली आई है। अच्छा? श्रुति की चुगली करूं क्या? ये करना करना, ये ना बहुत ही एड़ी है, शानी बनती है अपने आप को। मैंने इससे पूछा कि ये बता तूने कुत्ता पाला है क्या, तो कहती है कि मैं कवारी हूं। बहन तू बताना तूने कैसे मनाई शादी। छोड़ बताना। अच्छा अच्छा सुनना, पहले ना मैं ऑफिस लाइन में थी, शूटिंग लाइन के पहले। तो जिस ऑफिस में काम करती थी ना, मेरे बॉस ने ना मेरे को पटाखे लिया। क्या बात कर रही है, उसने तेरे साथ शादी मनाया? अरे आगे तो सुन, इन शादी की रात में ना। इन शादी की रात में क्या? उसकी औरत बच्चे लोगों को लेके आ गई, अपनी शादी उतरी लटक गई। अभी सोचो आजकल की औरत लोग कितनी हलकट होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है सच्ची में। तुझे मालूम है वो बंटी है ना, बंटी? हाँ, वो चिकना लंबू। हाँ, मेरे जज्बात के साथ खेला। अच्छा? हाँ, मेरे साथ आउटडोर शूटिंग पे गया ना, और दो बार मेरे साथ 5, 6, 7, 8। ये क्या किया तेरे साथ दो बार? मत पूछ दीदी, खुले आम सबके सामने झगड़ा किया। बोला ए औरत तेरी औकात क्या है? मैंने बोला कि देख मेरी इज्जत है, फिल्म लाइन में है लेकिन किसी भी बात का गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है, क्यों ऐसे बात करता है? बराबर है, ये हम लोग अभी फिल्म लाइन में तो क्या अपना इज्जत नहीं है क्या? ये इज्जत के चक्कर में ना मैं मल्लिका शेरावत का पर्सनल छोड़ी। अच्छा? पहले मैं ड्रेसर मेकअप थी ना, उसका पर्सनल करती थी। मैं बोली देखो मल्लिका मैडम, अभी हाशमी के साथ पिक्चर करेगी ना, भाई तेरा पर्सनल नहीं करेगी। काहे को? अभी मैं घड़ी घड़ी लिपस्टिक लगाती, वो आकर के चट करके जाता। बोल सच्ची, मैं समझी तेरी बात। इसके लिए मैं मल्लिका शेरावत को छोड़ दी। मैं बोला अभी मटेरियल के साथ पर्दे पर वर्ता नहीं मेरे को। फिर मैं बिपाशा को पकड़ी। लेकिन वो तो चिंदी है बंगालन। ये छोड़ना, अपनी पेट के लिए करना पड़ता है, डेली अपने को पर्दे मिलता है ना। और दूसरा क्या है ना, जब भी मैं शूटिंग पे जाती थी ना, बिपाशा को मिलने जॉन अब्राहम आता था ना, 1000 रुपए देता था मेरे को। एक काय को? ए चल वैसा नहीं रे, मेरे को मेकअप रूम से बाहर जाने का 1000 रुपए देता था। वो बोलता था ना, देख तू जो कुछ भी देखी ना इधर हम लोगों का, किसको भी बाहर जाके बोलने का नहीं। सच्ची। अभी मैं किसको बोली क्या? अभी मैं जूनियर, ये लाइन में कोई नवी नहीं है। सच्ची। अपने को सब पहचानते, संजू बाबा पहचानता अपने को, सल्लू पहचानता, डुग्गू पहचानता, चीची पहचानता, बोलो सब पहचानते अपने को। फिर दीदी मेरे को एक बात बताना, संजू ने मान्यता से शादी का ही मनाई? मैं सेम क्वेश्चन पूछी उससे कि तुम मान्यता में ऐसा क्या देखा, तू ऐसा बोलते है, अरे बाबा मान्यता बम मेरे बम ऐसा करके बोला मेरे को। मैं बोला संजू बाबा तुम हाई जिगर वाला, 13 साल से एक बम का लफड़ा सुलटा नहीं, दूसरा बम रेडी। दीदी कमाल है, देखना मेरे को संजू ठीक तो लगता है। हाँ। लेकिन ये अरबाज है ना, इसका भाई। हाँ। सलमान, वो मेरे को नहीं जमता। क्या रे, वो तो मस्त है, चिकना है, सॉलिड है रे। नहीं रे, बात बात पे शर्ट उतार देता है। तेरे को शर्म आती क्या? अरे नहीं, मेरे को गुस्सा आता है, क्यों सिर्फ शर्ट ही उतारता है। अच्छा सुनना, मैंने तेरे को बोला था ना कि तू लखनऊ जा रही है तो मेरे लिए चिकन का कुर्ता लेके आया, तो क्यों नहीं लाई? एड़ी है क्या, बर्ड फ्लू चल रहा है अभी। तू ना बहुत शानी बनती है दीदी। ये तू ऐसा हाथ क्या लगा कि बात करती मेरे से, तमीज से बात करना, मैं जूनियर कोई नवी नहीं है लाइन में, ऐसा कैसा बात करती तू? दीदी मुझे भी किसी बात का घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। तो फिर ऐसा हाथ लगा कि क्या बात करती मेरे से तू? तू कितना ऊंचा बोल रही है, मैंने तो सिर्फ तेरे को ऐसे हाथ लगाया। 5, 6, 7, 8। इधर आ,
मैं तेरे को इस हालत दिखती क्या? मेरे से इससे किससे बात करती है? मैं जूनियर लाइन में नवी नहीं है, संभाल के जबान बात करने का। मेरे जबान में बहुत बद्दुआ है, देख मैं सांवरिया को बद्दुआ दी थी, फ्लॉप हो गई। देख सन है वो यशराज ने अपने से टसन लिया, देख टसन का क्या हाल हो गया, इससे बात नहीं करने का। भगवान करे कि तू रोड पे जाए और तेज हवाए और तेरी स्कर्ट उठ जाए और आसपास एक भी मर्द ना हो। तेरे मुंह शकील लग जाए, शकील। तो शकील के नाम पे एक और औरत शहीद हो गई। तो इसकी शहादत में मैं चाहूंगा कि 3 तोप की सलामी दूं उसे। ए व्हाट व्हाट व्हाट, पैकअप हुआ क्या बहन? हाँ पैकअप हुआ ना, चलो उठ जा भी। कैसे लगा? क्या रे, मेरी बात चुगली करती है तू? हाँ मैं भी लाइन में नवी है एकदम। तू नवी है, मैं जूनियर लाइन में जाके अपना चांद पत्ती नहीं करने का। तू क्या बात करेगी मेरे से? 14 साल हो गए लाइन में, कौन कौन से काम नहीं किए, इसे बात करती फोक करके चल हटना, अभी मुंह नहीं देखने का मेरे, मेरे मुंह नहीं देखने का बात करती। बहुत कमांड है इसे। मैं क्या बोलूं, बहुत कमांड है मेरे को। मैं इतना लाइन में जूना नहीं हूं, लेकिन मुझे लेकिन बहुत कमाल, बहुत मजा आया। आई थिंक इतने ना, ये जो टिपिकल जो बातें जो चलती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा यूज़ किया है। फैंटास्टिक, सारे कैरेक्टर अच्छे यूज़ किए, फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया। थैंक यू राजेश। मुझे आज ये बोलना पड़ेगा कि राजू, राजीव, तुम तो खा गए, मतलब पूरा स्टेज खा गए, और जो तुमने किया है तो द कॉन्सेप्ट इज़ ब्रिलियंट, द एग्जीक्यूशन वॉज वेरी 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 गुड, एंड माई मार्क्स ऑल्सो आर देयरफॉर वेरी 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 गुड। भाई वो आपका परफॉर्मेंस शायद डल हो जाता अगर बीच में वो 2 पंच लाइन्स जो आप यूज़ कर रहे थे ना वो ना होती। एक तो 1, 2, 3, 4 और दूसरा मैं लाइन में कोई नवी नहीं हूँ, कितने दिन से आई हूँ वहाँ। ये 2 चीज़ों की वजह से जहाँ जहाँ भी डिप आता था ना वो उड़ जाता था फिर से। आई विल गिव यू 8 दिस टाइम, 8 पॉइंट, बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। मेरे ख्याल से तुम दोनों पूरी तरह से हलकटी आई हुई थी और तुम्हारा हलकटपना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इंडस्ट्री के कुछ इन हाउस जोक्स थे जो हम लोगों को हम लोग जिससे वाकिफ हैं और लोग वाकिफ हो जाएंगे, और तुम बहुत छिछोरी लगी राजीव, इतनी छिछोरी लगी, बहुत बढ़िया, और ये भी हलकट कम नहीं थी और दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया था, फैंटास्टिक कंटेंट। और थोड़ा क्योंकि पूरी आज़ादी थी, छूट थी, तुमने काफ़ी छूट ली भी और भी कभी छूट ले सकती थी, बहुत अच्छा था। आई विल गिव यू 9 पॉइंट। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी आज की अगली परफॉर्मेंस। आ रही है 2020 IPL की तन से सेक्सी, मन से भोली चीयर लीडर राजीव, अपनी दलील पेश करने बिना बात की अदालत में, जहां इल्जाम मास्टर मिस्टर रजत यानी कामिया खुद लेंगी इनका केस। अब इन्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, प्लीज वेलकम राजीव एंड कामिया। नमस्कार। इल्जाम शर्मा की बेबात की अदालत में आपका स्वागत है। आज हम मुकदमा चलाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की पर जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जी नहीं, वो टेलीविज़न सीरियल की कोई बहू नहीं, कोई फिल्म स्टार नहीं, कोई आइटम गर्ल भी नहीं, वैसे बड़ा बड़ा मुंह खोलकर हंसने वाली किसी रियलिटी शो की जज भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2020 में नाचने वाली चीयरलीडर शन्नो पटाका की। शन्नो पटाका बेबात की अदालत में हाजिर हो। मूड ही खराब कर दिया। देखो मत, जैसा तुम्हारा मुंह है तुम्हारा देखना बनता नहीं है। शन्नो पटाका, जनता की तरफ से इस अदालत में मैं यानी कि इल्जाम शर्मा आप पर मुकदमा चलाएंगे, और आप पर पहला इल्जाम, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके का आप डांस करती है उससे मर्दों को गलत संकेत मिलता है? तुम जैसे इल्जामी मर्दों को मिलते होंगे, बाकी मर्दों को तो वही संकेत मिलते हैं जो मैं देना चाहती हूँ। आप पर ये भी इल्जाम है कि आप बहुत गलत तरह के शौक रखती हैं। मैं अकेली रखती हूँ, और अर्चना जी ये भी तो गलत गलत शौक रखती हैं मर्दों वाले। आई मीन टू से, कभी किसी औरत को इतना बड़ा मुंह खोलकर हंसते हुए देखा कि उसका सारा पीओपी खराब हो जाए? एक बार हमारा मैच देखने आई थी, वहां भी ऐसे हंस रही थी, सहवाग ने छक्का मारा, बॉल इनके मुंह में चली गई, पूरे 20 मिनट
पूरे 20 मिनट तक मुझे नाचना पड़ा, बॉल नहीं मिल रही थी। चन्ना पटाका जी, आप पर अगला इल्जाम पाकिस्तान के शकील सिद्दीकी ने लगाया है। उनका कहना है कि आप बहुत बेहुदा किस्म का डांस करती हैं। मैं बुजुर्गों की बात का बुरा नहीं मानती। इस उम्र में उनकी याददाश्त चली जाती है ना, मुझे कहता था इतने पहन के आओ। लेकिन आप इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती ही क्यों हैं? मैं तो पूरे पहनती थी टेस्ट मैच में, फिर 50-50 हुआ और आजकल 20-20। वैसे मैंने सुना है कि 10-10-10 भी आने वाला है। तो आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है? आईसीसी को नहीं पता, ऐसी गंदी गंदी अफवाहें तुम्हारे जैसे लोग ही फैला रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपका सबसे पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? राहुल द्रविड़, आई लव हिम। 6-6 ओवर कोई चौका नहीं लगाता। और सबसे बड़ी बात, आउट भी नहीं होता। जैसे ही वो बैटिंग करने आता है ना, हमारी सारी टीम डिक्लेयर हो जाती है। बट आई हेट युवराज सिंह, थका देता है छक्के लगा लगा के। चन्नो पटाका, आप एक बात बताइए। एक मिनट, ये बताइए, वो बताइए, जिस काम की पेमेंट दी है वो तो कराइए, डांस तो करवाओ। चन्नो पटाका, आप अदालत की तौहीन कर रही है। ये इल्जाम है? जी हाँ। एक मिनट, इतने इल्जाम लगाते हो, ये तुम्हारा मुंह इल्जाम लगा लगा के ऐसा हुआ है कि कोई दवाई रिएक्शन कर गई थी? हैं? एक मिनट, इधर आओ, जरा इधर आओ। मैं लगाऊंगी इल्जाम तुम पर और तुम जवाब देना जनता की तरफ से, ठीक है? आप पर इल्जाम है कि आप अपने बेटे के बाप हैं। आप पर इल्जाम है कि आप अपने बीवी के पति हैं। आप पर इल्जाम है कि आपने अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाई। आप पर इल्जाम है कि आप इल्जाम शर्मा हैं। ये इल्जाम नहीं है। तो जो आप लोगों पे लगाते हैं वो इल्जाम होते हैं। चन्नो पटाका, आज की कार्रवाई यही पर खत्म होती है। आइए जजेस से जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या फैसला चुना है। अरबाज, how did you like this performance? Super, fantastic. इतना सारा एक साथ करना, एक तो is unbelievable, fantastic. Thank you. Apart from the fact that you're looking mind blowing, आप दोनों की act की शुरुआत mind blowing हुई थी, लेकिन somewhere there was a big gap. I'm disappointed because it was going so well. So I'm going to give you a 7. आपका begin बड़ा सही हुआ और हमने बड़ी उम्मीदें रखी थी, मगर जैसे अर्चना जी ने कहा कि बीच में थोड़ा सा डिप हुआ, जिससे मुझे थोड़ी मायूसी है। मैं भी आपको 7 ही दूंगा। 7 points। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं समझता हूँ आप लोगों की हालत बिल्कुल फिल्म टशन की तरह थी, जो देखने में बाहर से बहुत अच्छी लगी, मेक ओवर एंड ऑल, लेकिन फिल्म के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी को पता नहीं चला। इट वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। आई थिंक यू नीड टू पुल योर सॉक्स अप, लिटरली। I would give you a 6. 6 points. Yeah. Thank you, Dennis. सुना है कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और इन दोनों के पीछे तो इनकी बीवियों के हाथ क्या, लात पैर घूंसे सब कुछ है। Please welcome Lehri as his wife Billo and Krishna as Kashmira. Krishna, तुम तो सच में Kashmira जैसे लग रही हो। मैं Kashmira ही हूँ। आवाज भी बदली, वाह। हाय श्रुति। हेलो Kashmira। हेलो। सो आपको क्या लगता है, आपके जो कृष्णा जी हैं, हाउ वेल डू यू थिंक ही इज गोना बी एबल टू पोर्ट्रे यू? मेरे आगे मेरी बहुत तारीफ करते हैं, अब देखने आए कि मेरे पीठ पीछे क्या बोलता है। हां, तो आज सारी पोल खुलने वाली है, आइए देखिए। प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुदेश एंड कृष्णा। ये क्या हो रहा है? सीटी कौन भी आ रहा? कभी सुंदर औरत नहीं देखी? शर्म नहीं आती? ऐसे बेचती हो दिख। How disgusting! How disrespectful! Respected होगी तू? Respected होगी तेरी माँ? तेरा मामा? बदतमीज नंगी? जाहिल गवार अनपढ़ जंगली। Look at the clothes. कपड़े देखो इसके। हाँ देखो देखो, कपड़े हैं तो देखेंगे, तेरे तो है ही नहीं। What do you mean? जमीन ये ले, बैठ के जमीन पे, तू बैठ के दिखा। मैं गरीब के मुंह नहीं लगती। गरीब के मैं अमीर के मुंह नहीं लगती? अमीर खान, सलमान खान, ये जो सामने हीरो बैठा, मैं तो इसके मुंह नहीं लगती। क्या
लगने ही नहीं देते. She is so boring. मेरे साथ इंग्लिश नहीं बोलनी अब. क्यों? मुझे आती नहीं. अब मेरे साथ इंग्लिश बोली ना तो मैं पंजाबी शुरू कर दूंगी. बतमी दुर फिटे मुंह शाहवा शाहवा. तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूं. कौन हो तुम? मैं लहरी भैया की बीवी बिल्लो. लहरी भैया की बीवी बिल्लो? ओ सॉरी मैंने तुमको पहचाना नहीं. यू सो क्यूट. मैं कृष्णा की गर्लफ्रेंड कश्मीरा. सच में? आहिस्ता आहिस्ता. ओए संतरे गिर जाएंगे. संतरे संतरे दब जाए ना फिर मजा नहीं आता. ये लो तुम्हारे लिए लेके आई हूँ खा ले. I love oranges. अच्छा रख दो फिर यहीं. हाय और सुना तू तो फिल्मों में बड़ी सुंदर लगती है. थैंक यू थैंक यू. और कृष्णा कैसा है? दीदी कृष्णा के बारे में मैं क्या बताऊं? क्यों? इतना आलसी है रोज सुबह 4 बजे उठता है. 4 बजे? हाँ. होई होई. फिर धीरे धीरे बर्तन धोएगा. अच्छा. फिर धीरे धीरे डस्टिंग करेगा. अच्छा. दीदी सारे काम धीरे धीरे करता है. सारे? हाँ. मुझे अबला को देखो. मैं अर्ली मॉर्निंग 12 बजे उठ जाती हूँ. 12 बजे उठ जाती हूँ? हाँ. वाह. और खुद पैदल चल के बाथरूम जाती हूँ. पैदल आप? हाँ. हाय हाय. खुद अपने हाथों से ब्रश करती हूँ. अच्छा. यहाँ तक कि नहाती भी मैं खुद ही हूँ दीदी. भाई मैं तो खुद नहीं नहाती. ओ तो लहरी भैया. नहीं नहीं मैं खुद नहाती नहीं. मैं ठंड बड़ी लगती. वैसे भी पंजाब में पानी बड़ा गीला होता है ना. और सुना दीदी आप यहाँ क्यों आए हो? मैं बॉम्बे में आई हूँ अपने घर वाले पे शक करने. क्योंकि यहाँ करता क्या मैं देखने आई हूँ. सच पूछो दीदी तो बड़ा ही घटिया किस्म का इंसान है. तुम्हें भी पता चल गया? हाँ. बॉम्बे आके मैंने देखा फिल्म इंडस्ट्री में तेरी बड़ी बदनामी करते हैं लोग. मेरी? हाँ. इफ यू विदाउट माइंड. इतनी समझना. कहते ये जो लड़की है कश्मीरा शाह. हाँ? ये फिल्म इंडस्ट्री के हर लड़के के साथ एक एक बार भाग चुकी है. सब बकवास करती है. क्यों? दीदी छोटी सी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है. कितना भाग लिया होगा तुम्हारा है? बड़ी चालू जी. दीदी आपकी बहन भी फिल्मों में है. लहरी जी बता रहे थे. है वो बहुत अच्छा फिल्मों में काम कर रही. बॉम्बे में ही है. अच्छा अच्छा. कहाँ जाती है शूटिंग करने? जाती नहीं घर पे ही आ जाते कैमरा लेके. अभी नहीं नहीं है ना छोटे पर्दे पे काम कर रही है. अच्छा टीवी पे कर रही है? नहीं उससे भी छोटे मोबाइल पे. समझ गई. ऐसी बातें बहुत जल्दी समझती तू. मुझे कोई मौका दिला. तुम्हें तो मौके लेने आते. दीदी मौका लेने के लिए ना पहले मौका देना पड़ता है. कितनी बार? हीरोइन बनना आसान काम नहीं है. ऐसे थोड़ी पैसे मिल जाते हैं. ये बात तो तुमने सही कही. ये जो सामने नहीं बैठा ये सबकी बेइज्जती करता शकील. इसकी बीवी बाहर बैठी है बड़ा रो रही है. कहती पता नहीं कितने पैसे कमाता है बॉम्बे में आके. उसको सिर्फ 4000 रुपये देता घर पे. वो कह रही बाकी पैसे पता नहीं कहाँ जाते. सोच तू भी सोच. चल हमने क्या लेना देना. ये जाने और श्रुति जाने हमने क्या लेना देना. मुझे फिल्म में काम दिलाएगी कि नहीं? मैं दिलवाऊंगी दीदी पक्का. लेकिन मेरी एक शर्त है. ठीक है. कान में बताऊंगी. बता. पत्नी में थप्पड़ मारना मुझे ऐसी. सॉरी दीदी. सॉरी दीदी. सॉरी दीदी. अच्छा सुनो ना. हाँ? आज रात मेरे घर चलो ना. मैं ऐसी नहीं हूँ. नहीं नहीं मेरा मतलब कॉफी पीने चले. चलो ठीक है फिर. पर पहले नंबर ले ले. नंबर? संतरे गिर जाएंगे. आप अरबाज सिर्फ कृष्णा की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए. सुदेश की परफॉर्मेंस के बारे में किसी को नहीं सुनना है. एक्चुअली ऑनेस्टली मैं सुदेश की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले जितने भी एक्ट्स हुए हैं उसमें आई कुड सी दैट दे वर बैलेंस्ड एक्ट्स. बट अनफॉर्चुनेटली कृष्णा यू आर वेरी टैलेंटेड एक्टर बट दिस एक्ट वॉज टोटली हैविली वन साइडेड. आप इधर आ जाओ क्योंकि मैं अपनी जगह इनको. थैंक यू सर. Sudesh, you are mind-blowing. Thank you. 9 points. Kashmira, very sporting of you to have come here and witnessed the whole thing. I know. I should get the points. Yes, yes. I should be giving you the points. After all,
the things he's been saying. He still has to come home. Yes, I know, I know. I know the consequences. Marks, aapko 8 dunga is baar. 8 points. Thank you. Sudesh, tusi Punjab de pind di badi jalim janani lagi. Phite mu. बढ़ जा पांडेज दुख तो होता ही है मैं दुख तो होता ही है बिल्कुल पंजाब में कि छोटे शहरों में जो औरतें और आपका खास तौर पे वो हवाई चप्पल और आपका जो झोला और उसमें जो संतरे और आइए छोटे छोटी सिंदूर आपने लगाई है वाह 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 जी दुपट्टा नीला तुसी छा गए जी बस मैं इतना कह सकता हूँ कमाल मतलब आप इस शो के होप हो गए हैं तोप हो गए हैं आई विल गिव यू 8 फॉर द सिंपल रीजन आई वुड लव टू गिव यू 9 or 10 लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कि कृष्णा का कैरेक्टर चूंकि वीक हो गया था इस वजह से बट दिस ऑल ऑफ दिस 8 गोज आउट टू यू थैंक यू सर 8 पॉइंट बट यू बहुत बस अब आपकी तो शामत आ गई हाँ क्योंकि अब कश्मीरा आकर बताएंगी कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी आइए कश्मीरा वहाँ जाके यहाँ ही आइए डंडे वंडे दूँ मेरे हाथ ही काफ़ी है एक्चुअली ये सब झूठ बोलता है मैं 12:45 बजे उठती हूँ कुछ भी और तुम्हारी सजा सिर्फ यही है कि कल से तुम नहीं मैं खाना बनाऊंगी तुम्हें खाना पड़ेगा और कपड़े भी यही पहनने पड़ेंगे कल जोरदार तालियां थैंक यू ऑडियंस थैंक यू A big round of applause for the very sporting Kashmira Shah. Thank you so much for coming. Thank you. And please enjoy the rest of the show. I will. आज हमारे शो पर सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं कॉमेडी सर्कस को सपोर्ट करने आ रहे हैं द लेटेस्ट सेंसेशन ऑफ बॉलीवुड प्लीज वेलकम द यंग हैंडसम एंड वेरी सेक्सी सिकंदर खेर हेलो सिकंदर हेलो श्रुति थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन कॉमेडी सर्कस थैंक यू फॉर हैविंग मी तो सिकंदर आपकी फिल्म वुडस्टॉक विला बहुत जल्द थिएटर्स में आने वाली है जी And this film, I believe, is introducing you to the big bad world of Bollywood. The big wonderful world of Bollywood. Okay, the actually. Big wonderful world. So, हमें अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताइए. Suspense thriller है. तो suspense है तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा फिल्म के बारे में. I hope कि हम सबको सिकंदर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगेगी. जोरदार तालियाँ फॉर सिकंदर. Thank you. तो अब बारी है हमारी अगली जोड़ी की. लेकिन मेरे ख्याल से हमारे शाने शकील काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए सुनते हैं इनका क्या कहना है आइए शकील मियां हाँ भाई तुम लोगों की शेव निकलने वाली है औरतों 5 मिनट बाद शेव निकलने वाली कृष्णा क्या औरत है देखो कृष्णा खड़े हो इस हालत में नाचते नहीं है आराम के देने बैठो और ये देखो इसने कहा था ना तुम्हें मिट्टी खाने वाली औरत ऐसी औरतें पता शादी वाले दिन क्या कहती हैं जानू करतब दिखाऊं फिर कलाबाजा खा के दिखाती हैं सुहाग रात को मियाँ को करतब दिखा रही होती हैं दो और वो बांग्लादेश की हीरोइन राजी इसका हीरो को तैरने आता फिर भी डूब के मरा वो पीतल की बिल्ली CNN में गलत खबरें पढ़ने वाली औरत क्या हाल है आज तो अल्मुनियम के कपड़े पहन के आई हो कैसी हैं आप तो दिन ब दिन मर्द होती जा रही आस्ते आस्ते कृष्णा के बारे में एक बात कहूंगा ऐसी औरतें होती हैं ताकतवर औरतें सुहाग रात को मियाँ मार देती हैं इतनी जोर आजमाई करती हैं मियाँ कहता बस हाँ बस कह देना माँ बाप को 1.5 लाख रुपए फ्रिज के नीचे पड़े वो निकाल दे मैं तो क्या इनके बारे में बात करना था अब अंधे से इल्जाम नहीं लगाना बे हाँपती कांपती औरत बच्चे खाने वाली माई मनहूस ओके जी शुक्रिया थैंक यू आपने अच्छा बदला लिया अब जाइए ना अब तो खुश है ना तू बहुत फिर इल्जाम लगा बे बुलाते हैं हमारी चौथी जोड़ी को दीपिका को हो गई है टेंशन सबके साथ इनका नाम जुड़ गया पर इस सचिन से नहीं हुआ कनेक्शन हाले दिल लेकर आ रही हैं दीपिका जो है रहमान अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन उर्फ चित्राशी हेलो मेरा बैट कहाँ गया दीपिका किसका दीपिका सारे कोने सारे कोने सारे कोने वो क्या है ना मैं देश के सारे कोनों में अलग अलग क्रिकेटर्स के साथ पाई जाती हूँ देखो ये हमारा ड्रेसिंग रूम है ओनली जेंटल अलाउड इसीलिए तो आई हूँ क्या
देखो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ वरना मैं ओए यूवी कोई नहीं आएगा क्यों सब ऑलरेडी बाहर ही खड़े हैं क्या मतलब जब तक मैं उन्हें कम इन की परमिशन नहीं देती कोई भी अंदर नहीं आता देखो देखो मालिका मालिका नहीं दीपिका हाँ वही हरकतों की वजह से मालिका निकल गया देखो देखो तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो हाँ सॉरी नहीं सारे कोने अरे हाँ सारे कोने मगर इस कोने में क्यों आई हो तुम्हारे लिए मैं किसी भी कोने में आ सकती हूँ बोने क्या आई मीन सेट होने समझे देखो तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से ना क्रिकेटर्स बिगड़ रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो समय झगड़ा हो जाएगा तुम्हें क्या लगता है भज्जी ने श्रीशंत को ऐसे ही थप्पड़ मारा था वो तुम्हारी वजह से मारा था ऑफ कोर्स देखो सारिका मैं सारिका नहीं बाबा दीपिका अरे हाँ हाँ वही देखो और भी तो क्रिकेटर्स पड़े हैं बाकी सबको मैंने क्लीन बोल्ड कर दिया है सिर्फ एक तुम ही हो लेकिन मैं क्यों क्योंकि तुम लंबी लंबी इनिंग खेलते हो तुम्हारा एवरेज बहुत अच्छा है स्ट्राइक रेट कमाल है और वो जो शॉट खेलते हो ना तुम वो स्ट्रेट ड्राइव रिवर्स स्वीप कितना अच्छा लगता है इतनी कहाँ से लाते हो एनर्जी थोड़ी एनर्जी मुझे भी दो ना हाथ मत लगाओ क्यों कुछ कुछ होता है अरे कुछ नहीं होता है कंधा गैला है तुम तो खेलने के लायक ही नहीं हो जाओ यो, मुझे मास्टर ब्लास्टर कहते हैं मास्टर ब्लास्टर नहीं तुम मास्टर प्लास्टर हो हर 6 महीने में प्लास्टर लग जाता हाथों में तुम्हारे वो मेरा टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है खेलते हो क्रिकेट प्रॉब्लम टेनिस एल्बो का इतनी जब से बॉलिंग कर रही हूँ स्पिन डाला गुगली डाला इन स्विंग आउट ही नहीं हो रहे यॉर्कर भी डाला तो भी नहीं आउट हुआ शी ए अंपायर तुम ही ओवर दो ना कि थर्ड एम्पायर को बोलना पड़ेगा लगता डायरेक्ट आईसीसी से ही अपील करना पड़ेगा तुम्हें कुछ बता दो तो सिकंदर कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस वेरी नाइस वेरी नाइस चित्राशी आपका इनएक्सपीरियंस अब दिखता है स्टेज पर जब आपके हाथ में एक पंचलाइन होती है तो डिलीवर इट डोंट जस्ट थ्रो इट हाँ बट रहमान आपने बहुत मतलब डट कर यू नो यू केप्ट स्ट्रगलिंग अहेड एंड अहेड एंड अहेड सो यू वर गुड बट अनफॉर्चुनेटली इट्स द टीम दैट हैज टू सो आई एम गोना गिव यू अ 6 points आई एम वेरी सॉरी मगर जैसे इन्होंने कहा कि इट्स अ कॉम्पिटिटिव फील्ड कब तक हम दयावान होते रहेंगे मैं भी आपको सिर्फ 6 दूंगा 6 points Unfortunately, Chitrashi, you're getting completely dwarfed and literally dwarfed by your own performance and by Rahman's performance. Rahman to hamesha achha karte hain, lekin chuki iska darumadar aap par bhi hai, isliye aap kharab karenge to uska reflection un pe bhi aayega. So please do something about it and do it quickly before you're out of the show. 5 points. Yeah. Thank you. Chaliye show ko aage badhate hain aur dekhte hain hamari aaj ki agli performance. Aa rahi hai hamari agli jodi. ये भी कभी बच्चे थे नाम था इनका बबलू बबली पेट में थी इनकी हंसी की खलबली प्लीज वेलकम अपरा द बबलू एंड शैलेश द बबली हेलो मैं बबली हूँ बबली बबली एकदम बबली मैं बबलू का इंतजार कर रही हूँ हमें ना इतना लेट आता है जिसकी हद नहीं इतना आलसी है ना अगर कुत्ता होता तो खड़ी हुई गाड़ियों का पीछा कर रहा होता मैं बता रही हूँ मैं सही बता रही हूँ और आ जाएगा ना मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूँगी मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी हमेशा लेट करता हाय बबलू मुझे पता था मैं बुलाऊंगी ना तो जरूर आएगा है ना पर तू इतना शर्मा क्यों रहा है स्कूल से पहली बार बंक किया है नहीं नहीं पहली बार नहीं बंक किया बहुत बार बंक किया है लेकिन मैं डेट पर फर्स्ट टाइम आया हूँ तू हमेशा बच्चा का बच्चा ही रहेगा चल बड़ों वाली बातें करते हैं बड़ों वाली बातें हाँ कौन सी वाली मतलब वो सतीश अंकल जो अर्चना आंटी के कानों में कहते हैं वो वाली छी वो नहीं बड़ों वाली मतलब तू बड़ा होके क्या बनेगा बबलू मैं बड़ा होकर मैं जज बनूंगा जज हाउ बोरिंग बबलू तू जज बनेगा जज बनने के लिए ना काले कोट वाले वकीलों से बात करनी पड़ती इतना पढ़ना पड़ता है अरे नहीं नहीं वो वाला जज नहीं बनूंगा मैं ये वाला जज बनूंगा ये रियलिटी शो वाला हाँ उसमें कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता है तो सेट पर आकर पड़े रहने ऐसा करना पड़ता है और ना सिर्फ 2-3 लाइनें याद करनी पड़ती कौन सी माइंड ब्लोइंग इस बार इतना मजा नहीं आया पिछली बार कुछ ज्यादा ही मजा आया था एक और बोलना पड़ता है बाजे वक्त अच्छी थी अच्छी थी हाँ वो भी बोल लो वो भी बोलना पड़ता है ना अच्छा मैं तो जज बनूंगा तू क्या बनेगी बबली मैं
हाँ, वो बनेगी? हाँ, मैं मिस इंडिया बनूंगी। ओ, मिस इंडिया? हाँ। शक्ल देखी है तेरी आईने में? वहाँ उनकी शक्ल कौन देखता है? वहाँ ना पॉइंट्स तो फिगर के मिलते हैं और क्वेश्चन आंसर को आंसर तो मैं दे दूंगी, बहुत बढ़िया दूंगी। मिस बबली जी, आप मिस इंडिया बनकर क्या करेंगी? मैं गरीब और अनाथ बच्चों के लिए काम करूंगी। रियली बबली? पागल है क्या? कोई फिल्मों में काम करूंगी गरीब प्रोड्यूसर्स और अनाथ हीरोज के लिए, है ना? क्या कुछ भी बोलती है। हाँ। दूसरा सवाल पूछती हूँ। हाँ, मदर टेरेसा ने किन लोगों की सबसे ज्यादा मदद की? मदर टेरेसा ने, हाँ, किसकी? मदर टेरेसा ने सबसे ज्यादा मदद है ना मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड में भाग लेने वाली कंटेस्टेंट लड़कियों की। क्या? हाँ, सब बोलती है हमको मदर टेरेसा बनना है, मदर टेरेसा बनना है, बाद में टेरेसा तो नहीं बनती, खाली मदर बन जाती है। स्टूपिड। हाँ। ऐसे जवाब देगी तू? तू डफर है, तू बहुत डफर है। तू मेरे डैडी तेरे डैडी से अच्छे है। अच्छा, मेरी मम्मी तेरी मम्मी से अच्छी है, मेरी मम्मी तेरी मम्मी से अच्छी है। ऐसा हो सकता है, मेरे डैडी भी ऐसा बोलते हैं कभी कभी। छोड़, तू ये बता तुम कितने भाई बहन हो? मैं ओनली चाइल्ड हूँ, अकेला हूँ मैं। तूने चार बच्चों का हक नहीं मार दिया अकेले पैदा होके? चार पैदा हो सकते थे तेरी जगह। कितनी गंदी गंदी बातें करती है, टीवी देख देख कर ना तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं है ना टीवी देखते कहीं सब सीखी हूँ, मैंने टीवी पे इतना कुछ सीख लिया है कि अब मैं है ना शादी के बाद सब कुछ हैंडल कर लूंगी। डर्टी माइंड, मतलब मेरी सास मेरी ननन सब हैंडल कर दूंगी, इतने सोप देखे है ना मैंने। जय बालाजी। देखा जजेस, हमारे पास जो भी जनरल नॉलेज आता है वो तो टीवी देखकर ही आता है ना, तो हम जो देखते हैं वही हम सीखते हैं। हम तो कोरे कागज है, हम पे जो लिखोगे वो छपेगा। और हम ढंग के कब बनेंगे? जब लोग सामने ढंग के होंगे। और ढंग के बनने के लिए आप हमें ढंग के मार्क्स दीजिए, तब हम ढंग के बनेंगे। और श्रुति, आज आपने बहुत ढंग के कपड़े पहने, आ जाइए, जरा ताली बजाइए श्रुति के लिए। अर्चना कहते ना, अरे यार मूंछ कटवाने वाला काम मत करो, आपने एक्चुअली मूंछ कटा कर आज आपने अपनी मूंछ कटा ली है। So I'm going to give you a very, very sad, but unfortunately 5. मैं हंसना चाह रहा था, मैं मौका ढूंढ रहा था हंसने के लिए कि कहीं कुछ गैप मिले और मैं हंसूं, लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही जी। आई एम वेरी सॉरी, मगर आई एम डिसअपॉइंटेड टुडे। 5 पॉइंट। जल्दी से कुछ कीजिए अपने बारे में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ी त्रासदी कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा दर्द कोई नहीं है जब आप हंसाना चाहें और हंसी ना आए। विल गिव यू 5. 5 पॉइंट। थैंक यू। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि सरप्राइजेस खत्म हो गए हैं तो आप गलत हैं। आ रही है एक और खूबसूरत स्पेशल गेस्ट। प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस नेहा ओबेरॉय। हेलो नेहा, एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपके को स्टार सिकंदर ने तो आपकी फिल्म के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया, तो जी इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, सो आई थिंक देयर इज नॉट मच दैट वी कैन से अबाउट इट। वेल, आई होप कि आप दोनों की किस्मत बहुत चमके एंड Woodstock Villa does extremely well. Thank you. Please join him. बारी है अब हमारी अगली जोड़ी की, लेकिन थोड़ा इंतजार क्योंकि अब शाने शकील की बारी है। आइए। शैलेश को गौर से देखिए शेखर भैया, जय वर्धना की बिछड़ी हुई बहन लग रही है। और आप अदनान समी का बचपना, आपको पता है अदनान समी 3 साल का पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ, घर वाले बाहर निकल गए, बोले तू ही रह ले, हम बाहर रह लेंगे भाई, तू ही रह ले। दीपिका और वो सचिन, अगर ये अगर क्रिकेटर हो, सोचें आप इस कद की क्रिकेटर हो, ये खड़े खड़े 100 रन बनाए, क्योंकि हर बॉल नो बॉल। सख्त मुंह की औरत तेरे साथ बैठी है, आतंकवादी औरत। यार यार रहमान भैया मुहज्जब औरत, तहजीब याफ्ता रेगिस्तानी औरत, बल्कि ऐसी औरतें रेगिस्तान में यूं चलती हैं ऊंट की तरह। अब एड्रेस पूछो रेगिस्तान में कैसे बताते हैं? मंगल को सीधे सीधे जाओ, बुध को मुड़ जाना। तालियां शकील सिद्दीकी के लिए। दो यही मौजूद सेलिब्रिटीज को आपके सामने पेश करने, दो ऐसी अदाकारा जिनकी अदाएं तो सुभान अल्लाह हैं, नखरे भी माशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आकाश एंड परवेज। हेलो, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। मैं हूं सुरती सेठ, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं कॉमेडी सर्कस। मैं अब बुलाती हूँ अपने एक मेहमान को, सुपर सेक्सी
अर्चना पूरन सिंह। हाय, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन यह थ्रेडिंग नहीं कराई क्या? वैसे मैं देख रही हूँ आजकल दिन पर दिन तुम्हारा रंग कुछ काला सा पड़ता जा रहा है। काला नहीं होगा क्या, मेरे बराबर में बिठाया क्या? देखो इसके ताने सुन सुन के मेरा खून जलता जा रहा है। मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही कि इस शो में सिर्फ एक ही हैंडसम है, वो हो तुम। मेरी तो किसी से सेटिंग भी नहीं हो सकती यहाँ। नाराज क्यों हो रही? नाराज नहीं हूँ क्या? मुझे तो लगता है छोटे छोटे कपड़े पहन के ना मुझे इस शो में कोई फायदा होने वाला नहीं है बस। क्या बकवास कर रही हो, मुझे तो लगता है तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहन के ये शो में रखा हुआ है, पैसे भी तुम्हें उसके ही मिलते हैं। उल्टी सीधी बात नहीं करना, मैं एंकरिंग के पैसे लेती हूँ, तुम बिला फजूल हंसने के पैसे लेती हो। मैं यहाँ की सबसे बेहतरीन जज हूँ, ये सब जानते हैं। हाँ, और जो बाकी के एक सतीश जी है ना, वो भी मुझे ही फॉलो करते हैं। कैसे? उनके हर कमेंट से पहले ऐसा ही होता है जैसे कि अर्चना जी ने कहा, मेरी हंसी की वजह से ये शो चलता है। हे एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी हंसी की वजह से शो नहीं चलता, मेरी खूबसूरती की वजह से ये शो चलता है। कहाँ से खूबसूरत हो तुम? तुम खूबसूरत देखना चाहती हो? वो देखो, वो ये औरत खूबसूरत है। ऐसी औरतें होती हैं मूली वाला पराठा खा के अपना सुहागरात बर्बाद कर लेती हैं। उनके बारे में बताइए ना। कौन सी औरत? वो जो लाल लाल गाल है पर है चेहरा काला। ओए होए, ये तो WWF की रेफरी लग रही है। वो फीमेल सचिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फीमेल सचिन? दफा करो, मैं बच्चों के बारे में कुछ कहती नहीं। शकील देखो, ऐसे भी मर्द होते हैं। ये ना जब गए ना अपने घर के अंदर, घर में जाके बीवी से कह रहे हैं बत्तियां बंद करो डार्लिंग, बत्तियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, पर्दे गिरा दो। बेगम ने पूछा क्या चक्कर है? बोला चक्कर कुछ नहीं, नई नई घड़ी ली है, देखो लाइट जलेगी अभी। चलो अभी बकवास मत करो। हाँ, करो। मार्क्स और मार्क्स, चलो मार्क्स दे दो, बहुत हो गई। So Neha, how did you like the performance? Some of the punches really made me laugh a lot. Very nice. Thank you. Sikandar? I want to say Akashdeep looks really good in a sari. Firstly, that's really nice. Fantastic. Thank you, Sikku. Archana? Akashdeep, पहले मैं तुमको अटैक करूंगी। पहली बार कहने को मिल रहा है कि किसी और औरत के डोले मेरे से बेटर हैं। आई लाइक योर द फिजिकैलिटी ऑफ योर परफॉर्मेंस, वो अच्छा था, लेकिन आई डू नॉट नो वेदर आई स्पीक लाइक दिस ऑल द टाइम। आई डोंट थिंक आई स्पीक लाइक दैट। और एंड में परवेज, आपके जो जोक्स थे एक आध, वो थोड़े पुराने और थोड़े दे वर नॉट पर्टेनिंग टू जो पहले का स्क्रिप्ट था। आई कैन हैप्पीली गिव यू 7। 7 पॉइंट्स। शेखर? मजा नहीं आया। और आप लोग ने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, दिस डिडंट वर्क। I'm really sorry. I'll give you a 5 on that. 5 points. Yeah. Satish ji. Thank you. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत लोग बोल चुके हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में। मैं जो मार्क्स अभी आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ आकाशदीप, आप जो आभे लग रहे हैं अर्चना, उसके लिए दे रहा हूँ। 5 points. Thank you. Thank you आकाशदीप. Thank you परवेज। शो को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार फिर बड़ा सा थैंक यू कहना चाहेंगे सिकंदर खेर और नेहा ओबरॉय से, जो हमारे शो पर आए and they made our show even more special. So thank you Sikandar, thank you Neha, thank you for having us on the show. It was very and special. We all hope ki aapki film Woodstock Villa does extremely well, and we hope to see both of you in many 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 more films. A big round of applause for Sikandar and Neha. Thank you, thank you, and we need all the support from everyone. Thank you. Hamari 6 jodiyon ka performance to ho gaya, ab bari hai hamari aakhri jodi ki, जिसके बारे में मैंने आपको शो की शुरुआत में कहा था, यानी कि शयांतनी और कुलदीप की जोड़ी, जिनके बीच हो गई है बहुत बड़ी अनबन, इतनी कि आज कुलदीप हमारे कॉमेडी सर्कस पर परफॉर्म करने नहीं आए। पर इससे पहले कि हम जानें कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, जानते हैं कि जज स्कोर्स और ऑडियंस वोट्स के टैली के अनुसार कौन सी जोड़ियाँ आई हैं बॉटम 2 में। तो वो दो जोड़ियाँ जिन्हें जज स्कोर्स और ऑडियंस वोट्स के हिसाब से मिले हैं सबसे कम स्कोर्स, वो हैं
आकाशदीप और परवेज, और आज की दूसरी अनसेफ जोड़ी हैं शैलेश एंड अपरा। आइए अब जानते हैं शयंतिनी से कि आखिर उनमें और कुलदीप में प्रॉब्लम क्या हुई। शयंतिनी, कैन यू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। हेलो टू एवरीबॉडी। तो शयंतिनी, आज आपके पार्टनर कुलदीप आपके साथ परफॉर्म करने नहीं आए। सो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? इजंट दिस एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल ऑन हिज पार्ट? मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगी कि मैं आज परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने गेटअप में, मैं अपनी लाइंस के साथ तैयार हूँ, बट इट्स अनफॉर्चुनेट ऑन माई बिहाफ क्योंकि द स्टेज मीन्स अ लॉट टू मी। और पिछले दो एपिसोड में इट वॉज रियली इनकरेजिंग फॉर मी क्योंकि हमें अच्छे स्कोर्स मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिला सभी से, फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम माई जजेस, फ्रॉम माई को कंटेस्टेंट्स, एंड बट आई रियली डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई हैजंट ही टर्न्ड अप टुडे। इट्स शॉक फॉर मी एज वेल। पर शयंतिनी, कल जब आप दोनों रिहर्स कर रहे थे, हमने सुना कि आपने उनसे कहा कि आप रिहर्सल नहीं करना चाहती क्योंकि आप शो में नहीं रहना चाहती, इज दैट ट्रू? माई पार्टनर वॉज नॉट गिविंग मी टाइम टू रिहर्स। बीच में भी ऐसा हुआ था, वो चार दिन के लिए गायब हो गया था और हम सब लोग फ्रेंटिकली उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। नो वन ऑफ अस कुड गेट एन एक्सेस टू हिम। मैं एज अ परफॉर्मर, मुझे आउट होने से डर नहीं है, लेकिन ये रिपेंटेंस नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने रिहर्स नहीं की और इसलिए मैं आउट हो गई। वेल जजेस, आपने शयंतिनी की दलील सुनी और अब मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आज आप किसे एलिमिनेट करेंगे, शयंतिनी फॉर नॉट परफॉर्मिंग या फिर हमारी दो लोएस्ट जोड़ियों में से किसी एक को। मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, और ख़ास तौर पे वो जोड़ी जिन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया, 30 out of 30 जिनको मिला, जिनके लिए सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, उनके बीच कोई अनबन हो जाए, कोई खटपट हो जाए, तो वाकई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई अप्रिशिएट कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं, आप यहाँ पर आई, आपका यहाँ पर आना ही और मौजूद होना ही इज़ द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ़ योर एटीट्यूड एंड इंटेंशन। वो यहाँ नहीं है, दैट इज़ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट वो डेफिनेटली प्रोफेशनल नहीं है। जहाँ तक आपको रहना चाहिए शो में, आपको अगले एपिसोड में जाना चाहिए या नहीं, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकती, हमें से कोई नहीं। आई थिंक जिनके साथ आपकी टक्कर है वो ही डिसाइड करेंगे। आई थिंक मैं तो कहता हूँ कि कुलदीप का यहाँ ना होना एक बहुत बड़ी गलती है उसकी तरफ से। मैं भी बाकी के जजेस जो हैं उससे सहमत हूँ कि ये डिसीशन तो इनके कॉम्पिटिटर्स को ही लेना होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट योर को कंटेस्टेंट्स हैव टू से, कि क्या वो आपको मौका देंगे। काम्या एंड राजीव, मैं एक ही चीज़ मानती हूँ, द शो मस्ट गो ऑन। फैक्ट ये है कि आज शयंतिनी हमारे सामने है लेकिन कुलदीप नहीं है, और मैं इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगी कि वो यहाँ नहीं है, तो मैं उसकी साइड नहीं लूँगी चाहे जो भी रीज़न रहा हो। इसके वजह से शयंतिनी सफ़र नहीं करनी चाहिए, आई थिंक उसे एक नया पार्टनर देके हमें इस शो को कंटिन्यू करना चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट, उस चीज़ को देख करके और आपकी अपनी डेडिकेशन को देख करके, मैं और राजीव इनफैक्ट दोनों सहमत हैं कि आपको इस शो में होना चाहिए। मेरे हिसाब से उसे दूसरा पार्टनर देना चाहिए जी, और शी शुड गो अहेड। मुझे लगता है कि हमें टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। शी इज हियर, शी इज प्रोफेशनल इनफ टू कम हियर एंड टेक ऑल दिस क्रिटिसिज्म राइट नाउ एंड बी ऑन द स्टेज। डेफिनेटली दूसरा एक को पार्टनर उनको देना चाहिए एंड शी विल डू अ गुड जॉब विद देम आल्सो। वन सेक, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी मॉडेस्ट, बट पिछले हफ्ते जिन इन छह जोड़ियों ने बहुत मेहनत की है, हमारी जोड़ी ने मेहनत नहीं की है, सो शुडंट वी अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क? तो शयंतिनी, आपका क्या मानना है? आर यू इन फेवर ऑफ द फैक्ट कि आपकी चार जोड़ियों ने आपको दूसरा मौका देने के बारे में वोट किया? आई सेड फ्रॉम डे वन आई गो आउट फॉर माय बैड परफॉर्मेंस। इट इज सैड दैट आई गो आउट टुडे विदाउट परफॉर्मिंग, इट्स माय अनफॉर्चुनेट लक। वेल, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो शयंतिनी, एंड हमें बहुत अफसोस है कि आपके और कुलदीप के बीच में जो भी अनबन हुई उसकी वजह से हमें आप दोनों की बेहतरीन टीम को यहाँ से जाने को कहना पड़ रहा है। वी आर वेरी वेरी सॉरी, बट थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर जोरदार तालियां शयंतिनी के लिए। आज एक बार फिर दो कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होने से बच गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अपरा जी एंड शैलेश एंड आकाशदीप एंड परवेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जोरदार तालियां हमारी सारी जोड़ियों के लिए।
और अब बारी है आज के इस एपिसोड के नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन मोमेंट्स की। मैंने तेरे को बोला था ना कि तू लखनऊ जा रही है तो मेरे लिए चिकन का कुर्ता लेके आया, तू क्यों नहीं लाई? एड़ी क्या बर्ड फ्लू चल रहा है अभी। आपका सबसे पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? राहुल द्रविड़, आई लव हिम। 6-6 ओवर कोई चौका नहीं लगाता। बट आई हेट युवराज सिंह, थका देता है। मेरे साथ इंग्लिश नहीं बोलनी अब? क्यों, मुझे आती नहीं इंग्लिश। बोली ना तो मैं पंजाबी शुरू कर दूंगी। बतमी दुर फिटे मुंह शाहवा शाहवा। इट्स टाइम टू से गुडबाय, बट डोंट वरी, इतने ड्रामे के बाद शो को हम हंसते हंसते ही एंड करेंगे। तो आइए शाने शकील, आज ये क्या शो था? आज शो का नाम क्या था? रोल रिवर्सल। मैं तुम्हारी अंग्रेजी चेक कर रहा था, ठीक हो? अगर सोचे वाकई है शेखर जी, औरतों वाले काम मर्दों में, मर्दों वाले औरतों में आ जाते, क्या होगा? अचानक एक दिन सब सोए और सब ऐसा हो जाए उल्टा सीधा, कैसा अजीब लगेगा। सतीश जी कहाँ हैं? अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, खबर आ रही होगी। बोले क्या हुआ? बोले नहीं यार, अफवाह थी, हर दफ़ा अफवाह होती है उनके यहाँ। शेखर भाई नजर नहीं, वो छिल्ले में जुड़वा हुआ है। कैसे हालात हो जाएंगे? और सोचो औरतें फिर मर्दों वाले काम करेंगी। अगर लड़कियां कंधा दें जनाजे को, जी शेखर जी, अगर जनाजे को लड़कियां कंधा दें तो जनाजे में बिला वजह रश होगा। हर आदमी दफ्तर से छुट्टी लेकर होगा। मरा हुआ एक बार फिर से मरेगा। शकूर साहब मर गए, बड़ा मजा आएगा उस्ताद। आज चलो, शकूर बीमार हुआ था, मैंने सूट सिलवा लिया, मैं मरे ही मरे ही। लड़के घुस घुस के कंधे, उधर हो जाओ ना, अभी तो कंधा देने दो। मैयत उठ के बैठ जा, कुत्ते के बच्चे मुझे दफनाओ, किस काम में लग गए हो? किस काम में लग गए? औरतें सोचो, औरतें अगर डाकू हो जाएं, हर आदमी घर पे जा रहा होगा, कब आ रही हो डाका मारने? आ जाओ बीवी मैके गई, आओ लूटो, आओ तो सही एक दफा, आओ तिजोरी का मुंह खुला हुआ, आ जाओ बस आ जाओ। औरतें हो कंडक्टर, 70-80 साल वाले तो बस में ही होंगे, कहाँ जाना, आखिरी स्टॉप। वापसी का भी दे दो भाई, अब तो लाश निकलेगी बस में से। अब तो नसीहत करके आ गए हो, लाश निकाल लेना फला बस में से। बस आज के लिए इतना। तो यार मैंने आज तुम्हारे कपड़े की तारीफ की है ना, जी शुक्रिया। वो वकील लग रही हो जो जेब कतरों का केस लड़ती हो। हाँ, मेरी रूह को सुकून मिल गया। ओके, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। Till then, keep laughing and making other people's laugh. Thank you.